हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नेचर गरिमा ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो नमस्ते दोस्तों, तो यहाँ पर एकदम हेल्दी सा नाश्ता बनाकर रेडी किया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आइए बनाकर रेडी करते हैं। तो यहाँ पर खड़ी मूंग दाल ली है और साथ में चावल लिए हैं, दोनों को बराबर मात्रा में लिया है मैंने। अब उनको अच्छे से वॉश करके गलाने रख देंगे और 4 घंटे में अब ये अच्छे से गलकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद आप मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से इसको महीन पीस लीजिए, इतनी बारीक ना पीसें और थोड़ी थोड़ी दरदरी रहने दीजिए। अब इसमें नमक डालकर थोड़ा सा इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख छोड़ दीजिए। और यहाँ पर इसको इसके लिए तब तक स्टफिंग रेडी कर लेते हैं, जो कि हम इसमें अंदर इसकी जो फीलिंग है भरेंगे हम। तो बस यहाँ पर एक पनीर लिया है मैंने, करीब 150 ग्राम पनीर लिया है। शिमला मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च, आपके पास जो भी घर में सब्जी अवेलेबल हो आप वह इसमें डालकर इसको चॉप्ड कर रेडी कीजिए। यहाँ पर पैन लिया है, उसमें हम हल्का सा ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो बटर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम कम से कम ऑयल में इसे बना रहे हैं। तो बस यहाँ पर ऑयल में थोड़ा सा हम सबसे पहले अदरक और हरी मिर्च को डालेंगे। यहाँ पर प्याज, शिमला मिर्च को सबसे पहले हम पका लेंगे हल्का हल्का, हमें बिल्कुल गलाना नहीं है इनको, एकदम हल्का हल्का सॉफ्ट रखना है, क्रंची क्रंची रहे इतने हमको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो बस आप देख सकते हैं हल्के हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं, ये खाने में क्रंची ही लगेंगे। तो हल्का सा सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे इस टाइम। अब इनको एक साइड में लगा देंगे और यहाँ पर टमाटर जो हमने कट किए हैं उनको डालेंगे, जिसे टमाटर और पनीर दोनों अच्छे से थोड़ा सा हल्का हल्का फ्राई हो जाएं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत सॉफ्ट रहती हैं तो जल्दी ये गल जाएंगे इसके साथ। तो बस इनको हल्का हल्का हमें रोस्ट करना है हल्का हल्का इसमें। साथ ही हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक तो हमने ऐड कर ही दिया है। तो बस ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ कुटी हुई काली मिर्च को भी ऐड किया है मैंने। तो बस इन सब चीज़ों को डालकर हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे और बस हम खूब सारा धनिया डालकर इसको एक साइड रख देंगे। हमारी स्टफिंग हो गई रेडी। अब इस घोल को अच्छे से फेंट लेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे हम, और ये हमारा घोल एकदम रेडी हो गया है परफेक्ट। तो दोनों चीज़ें दोनों बराबर मात्रा में रेडी हो चुकी हैं बनने के लिए। तो बस यहाँ पर आप डोसा तवा लीजिए या नॉनस्टिक का कोई पैन लीजिए, उसमें इस तरह के बैटर को डालिए और हल्के हाथ से इसको चीला अपना फैलाइए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी टूट जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है मूंग दाल का चीला। तो आप आराम से इसको फैला सकते हैं नॉनस्टिक पर, ये टूटेगा नहीं। बस तो बस इस तरह से हमारा चीला एक साइड से क्रंची होने जा रहा है। तो बस हल्का सा ऑयल इस पर सेट कर देंगे, हल्का हल्का ही ऑयल लगाना है हमें, ज़्यादा नहीं लगाना है, कहीं कहीं 2-4 बूंद इसमें, क्योंकि हम हेल्दी बना रहे हैं चीला, हमारा नाश्ता एकदम हेल्दी बना रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा ऑयल की मात्रा नहीं रखना है। तो बस यहाँ पर सेंटर में हम अपनी स्टफिंग हमने जो बनाई है उसको रख देंगे इस तरह से। वैसे सबको ये इस तरह की चीज़ें खाना बहुत ही पसंद रहती हैं और ऊपर से ये हेल्दी भी है। तो बस इसको आराम से हम खा सकते हैं कि किसी भी रूप में, खाने में, डिनर में, लंच में या ब्रेकफास्ट में। आपकी अगर आपको इस तरह का हेल्दी नाश्ता खाना है तो आप इसे कभी भी खा के बना सकते हैं खाने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मैंने इसको बहुत ही आराम से पलटा था तो भी ये हल्का हल्का क्रंची हो गया है, वहाँ से टूटने लगते हैं। तो बस सारे मेरे चीले बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं इस तरह से, बहुत ही सॉफ्ट हो, तो बहुत ही ये क्रंची बनकर रेडी हुए थे ये।